Assalamu alaikum viewers, I am Mehreen Saqib and welcome to Mehreen's Corner. इस संडे को आप सबको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड्स 2020 गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों के साथ बैठ के ऑस्कर अवार्ड्स पर डिस्कशन की जाए। अगर अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर मेहरीन्स कॉर्नर को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। अपने कमेंट्स भी ज़रूर शामिल कीजिएगा मेरे प्रोग्राम के साथ। तो ऑस्कर अवार्ड्स में इस दफ़ा के ऑस्कर अवार्ड्स बड़े डिफरेंट रहे हैं, सरप्राइजिंग इसलिए रहे हैं कि इसमें बेस्ट मूवी का जो अवार्ड दिया गया वो इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्कर्स की हिस्ट्री में एक इंटरनेशनल मूवी, एक फॉरेन मूवी को दिया गया, वो है साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट को। इस मूवी ने कोई 4 अवार्ड्स इस रात विन किए जो कि बहुत ही सबके लिए शॉकिंग था। बेस्ट मूवी की नॉमिनेशंस में थी फोर्ड वर्सेस फरारी, मैरिज स्टोरी थी और भी बहुत सी अच्छी जोकर मूवी थी जो कि सब ने देखी होगी और वो कि बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। इस तरह की इन सब मूवीज़ की कैटेगरी में नॉमिनेशंस में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी पैरासाइट की मूवी के ही डायरेक्टर को बोंग जोंग हू को अवार्ड किया गया था। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड विनर रहे हैं जोकर के हीरो जिन्होंने रोल प्ले किया था आर्थर फ्लैग का, वाकिन फीनिक्स। इन लोगों के नाम बड़े ही ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं, लिखते जोकिन फीनिक्स है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं वाकिन फीनिक्स है। बेस्ट एक्टर अवार्ड एक्ट्रेस अवार्ड मिला गया रेनी सेल्वेगर को मूवी जूडी के लिए, उन्होंने जूडी का रोल प्ले, मेन कैरेक्टर रोल प्ले किया गया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया था लॉरा डर्न को फॉर द मूवी मैरिज स्टोरी। मैरिज स्टोरी एक बहुत ही जैसे ऑर्डनरी मूवी थी लेकिन उनके रोल को पसंद किया गया और उनको अवार्ड दिया। आपको पता ना ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़े डिफरेंट किस्म के लोगों को या डिफरेंट चीज़ों पे अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे ब्रैड पिट, उन्होंने रोल प्ले किया था वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी में। ये मूवी भी बेस्ट मूवी की कैटेगरी में थी और इसको बेस्ट ब्रैड पिट को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेस्ट एनिमेटेड मूवी दी गई टॉय स्टोरी 4 को। इस दफ़ा बहुत सी अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ आई, फ्रोजन 2 भी आई लेकिन टॉय स्टोरी 4 को बहुत पसंद किया गया और उसी को अवार्ड दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी को का अवार्ड जो था वो दिया गया अमेरिकन फैक्ट्री को विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रॉक एंड मिशेल ओबामा। फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस किया। बेस्ट फॉरन मूवी भी पैरासाइट मूवी रही। इस मूवी ने वाकई बहुत तबाही मचाई है, आई थिंक ये वर्थ वॉचिंग है। और जोकर मूवी बहुत अच्छी रही, जिन्होंने देखी उनको बहुत अच्छी थ्रिलर रही और उसमें बहुत से लोगों को बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई मूवी सिनेमा में देखने के बाद। और मुझे मेरे ख्याल में फोर्ड वर्सेस फरारी जो थी ना वो बहुत अच्छी सिंपल मूवी थी और इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग। सिनेमा में देखने का वाकई बड़ा मज़ा है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी थी जैसे ट्रू स्टोरी चलती है वो थी। इसके अलावा बेस्ट स्कोर यानी कि ओरिजिनल साउंड ट्रैक जिस मूवी को दिया गया वो था जोकर का म्यूज़िक। वो बहुत ही ग्रिपिंग म्यूज़िक था, उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के म्यूज़िक की तरह वॉयलिन बजता है थ्रू आउट द मूवी और बड़ा ही अच्छी फील आती है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया आई एम गोना लव मी अगेन, मूवी थी रॉकेट मैन, उसका सॉन्ग दैट वॉज रिटन एंड कम्पोज बाय एल्टन जॉन और एल्टन जॉन ने खुद गाया है। उसमें बड़ी पुराने ज़माने के गानों की फील आती है उस सॉन्ग के साथ। अच्छा, इसके साथ ही मैंने सोचा क्यों ना हम डिस्कस करें बेस्ट ड्रेस्ड जो लोग थे, एक्टर एक्ट्रेसेस ऑन द रेड कार्पेट ऑफ ऑस्कर्स अवार्ड। क्योंकि हम लोग अवार्ड्स क्यों देखते हैं, हम लोग सारे अवार्ड्स देखते हैं देखने के लिए कि सब किस तरह ड्रेसअप हुए हैं। मज़ा ही उस चीज़ का आता है, उस पर कमेंट करने का, डिबेट करने का, हर कोई अपनी अपनी राय देता है तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने जिन लोगों की पिक्चर्स देखी, आप लोग भी ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा पिक्चर्स में, उनमें मुझे सबसे अच्छी चार्लिस थेरॉन लगी। वो बेस्ट सपोर्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन में थी, उन्होंने ब्लैक गाउन बहुत ही ज़बरदस्त पहना हुआ था। स्कारलेट जोहानसन का मुझे गाउन बहुत पसंद आया। इसके अलावा रेनी ज़ेलवेगर ने वाइट गाउन पहना हुआ था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। ब्रैड पिट बहुत डैशिंग लग रहे थे अपना ऑस्कर अवार्ड पकड़ के और उससे पहले भी रेड कार्पेट पे। रेजिना किंग बहुत अच्छी लग रही थी। नेचुरली पोर्टमैन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, उन्होंने डिसेंट किस्म का गाउन पहना, मेरे ख्याल से गुची का उनका गाउन था। पेनेलोपी क्रूज़ का बहुत अच्छा गाउन था। इसके साथ साथ ब्री लार्सन जो मार्वल की एक्ट्रेस है उनका गाउन था और गैल गैडोट जो वंडर वूमेन है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी रेड कार्पेट पे। और वर्स्ट ड्रेस में भी बहुत से लोगों के नाम हैं जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें कि आप लोगों को वर्स्ट ड्रेस कौन से लगे और बेस्ट ड्रेस आपकी नज़र में कौन से थे, ताकि आप लोग भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हो सकें, मुझे आप लोगों की राय का पता चल सके। उम्मीद है मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेहरीन्स कॉर्नर के साथ ट्यून्ड इन रहें। अल्लाह हाफ़िज़।